दोस्तों नमस्कार। वर्ल्ड पावर रोड सिस्टम की यात्रा के आज हम लोग 22वें पड़ाव पर पहुंच गए। लेक्चर नंबर 22 में आज हम लोगों को देखना है, कुछ नए वर्ड्स सीखना है और उन्हें रूट के जरिए अपने दिमाग में फिक्स करना है। तो आइए चैप्टर नंबर 22 में चलते हैं। दिस इज प्रूरियंट। प्रूरियंट का मतलब होता है, प्रूरियंट शब्द दिया गया, प्रूरियो, प्रूरियो का मतलब होता है टू लॉन्ग फॉर, लालसा होना, यानी इच भी कहते हैं इसको, लालसा होना। तो प्रूरियंट जो शब्द, लालसा सेक्स से संबंधित शब्द है, प्रूरियंट जो होता है वह कामुक। साइकोफैनियन का मतलब होता है टू सो। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो साइकोफेंट होता है इसका मतलब ये चापलूस होता है, यह केवल प्रेम और वफादारी शो करता है, वास्तव में यह प्रेम और वफादारी रखता नहीं है। तो साइकोफेंट क्या हो गया, यह चापलूस हो गया, पिछलग्गू हो गया, जो केवल शो करता दिखाता है लेकिन वास्तव में होता नहीं। डाया का मतलब थ्रू होता है, तो जो डायाफेनस कपड़े होते हैं वो झीने वस्त्र होते हैं जिनके थ्रू स्किन दिखाई पड़ती है, झीने या पारदर्शी वस्त्र को हम डायाफेनस कहते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ध्यान दीजिए, वैनिस्को का मतलब होता है टू वैनिस, और इफेमरा एक शॉर्ट लिव्ड क्रिएचर होता है, जैसे अपने यहाँ मच्छर वच्छर बहुत कम समय तक जीते हैं, उसी तरह से इफेमरा एक शॉर्ट लिव्ड क्रिएचर होता है, बहुत कम समय तक जीने वाला क्रिएचर होता है। तो यहाँ पे तीन शब्द हैं, फ्लीटिंग भी हम यहाँ पे कह सकते हैं, चौथा शब्द भी ले सकते हैं यहाँ पे फ्लीटिंग। ट्रांजिएंट हो गया, ट्रांजिएंट। तो ये चार शब्द ऐसे हैं जो क्षणभंगुर यानी बहुत कम समय में समाप्त हो जाने वाले। तो इवानिसेन, इफेमरल, ट्रांजिएंट एंड फ्लीटिंग, दीज आर फोर वर्ड्स विच सो, जो दर्शाते हैं कि बहुत कम समय में समाप्त होने वाला, यानी इसकी हिंदी क्षणभंगुर होती है। क्लेयन, आइकन का मतलब होता है इमेज, और क्लेयन का मतलब टू ब्रेक होता है। तो जो आइकन और क्लास्ट होता है वह क्या होता है, मूर्ति भंजक होता है, इमेज ब्रेकर होता है, जो पुरानी रूढ़ियों को तोड़ता, जो रूढ़ियाँ नुकसानदायक होती हैं, समाज के लिए नुकसानदायक होती है, उनको तोड़ता। जैसे विधवा विवाह, तो पहले विधवाओं को क्या करते थे, विधवाओं को जला देते थे और इस तरह से तमाम प्रताड़ना देते थे, तो बाद में उसको विधवा विवाह किया गया। तो वो विधवा विवाह जो किया, यानी जिसने इस चीज़ को किया, वह आइकन और क्लास्ट हुआ, वह पुरानी रूढ़ को तोड़ने वाला हुआ। आगे है, आपने देखा हुआ था कि नॉस्टस, नॉस्टस का मतलब नोन होता है। तो डायग्नोसिस क्या होता है, व्हाट इज डायग्नोसिस, डायग्नोसिस जो डॉक्टर करता है, तो जब रोग निर्धारण इसको हम कहते हैं, डायग्नोसिस क्या कैसे करता है, डॉक्टर यह देखता है और देख करके जब वह रोग के बारे में किसी परीक्षण के जरिए जानता है, रोग निर्धारण करता है, उसे हम डायग्नोसिस कहते हैं। प्रो का मतलब होता है पहले, प्री और प्रो दोनों का मतलब होता है पहले। तो प्रोग्नोसिस जो होता है वो पूर्व निर्धारण होता है, अर्थात अगर हम ये पूछें कि डॉक्टर साहब कौन सी बीमारी है, उसने बताया जुकाम, हम बोलते हैं डायग्नोसिस क्या है, जुकाम है। प्रोग्नोसिस क्या है, कि प्रोग्नोसिस का मतलब यानी आपकी बीमारी आगे क्या होगी, उसका पहले ही बता देना, उसके बारे में प्रोग्नोसिस हो गया। तो ये हो गया प्रोग्नोसिस का मतलब, कि आपको ठंडा पानी अगर आप नहीं पियेंगे, आप गुनगुना पानी पियेंगे और आप एसी वगैरह का प्रयोग नहीं करेंगे, तो 2 से 3 दिन के बीच में ये ठीक हो जाएगा, उसे हम प्रोग्नोसिस कहते हैं। विकैरियस, विकैरियस का मतलब होता है इनडायरेक्ट, जो सीधे ना हो, इनडायरेक्ट हो। हम इसको ट्रिक के जरिए याद करते हैं कि ताजमहल मैंने स्वयं नहीं देखा है, बल्कि बीके भाई ने मुझे ताजमहल के बारे में बताया है। तो विकैरियस क्या है, मेरा ताजमहल का देखने का एक्सपीरियंस कैसा है, विकैरियस है, इनडायरेक्ट है, वह डायरेक्ट नहीं है। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति सीधे पढ़ता है, तो वह सीधे, अगर मान लीजिए किसी ने केवल नोट्स लेकर के पढ़ा, तो वो विकैरियस स्टडी कर रहा है, उसे हम कहते हैं विकैरियस। आगे आप देखेंगे, कार्निस आपने पीछे देखा था, याद होगा आपको, कार्निस का मतलब फ्लैश होता है। तो कार्नेलियन जो होता है वह फ्लैश स्टोन, मतलब फ्लैश कलर्ड स्टोन, लाजवर्द पत्थर इसे हम कहते हैं, यह कार्नेलियन कहलाता है। कार्नेलियन का मतलब होता है जैसे ऐसा पत्थर जिसका कलर
वह मांस जैसा धूसर होता है, उसे हम कार्नेलियन कहते हैं। कार्नेज जो होता है ये सामूहिक हत्याकांड होता है। ए लॉट ऑफ ह्यूमन फ्लैश, ए लॉट ऑफ ह्यूमन फ्लैश कब होगा, जब नरसंहार होगा, तो उसी से कार्नेज को हम क्या कहते हैं, सामूहिक हत्याकांड यानी नरसंहार। इनकार्नेट, इनकार्नेट जब प्रभु इंसान के फ्लैश में आता है अर्थात बॉडी में आता है, तो उसे हम कहते हैं इन का मतलब मे हो गया, कार्नेस का मतलब फ्लैश। जैसे भगवान राम इनकार्नेट किए, इसका मतलब क्या है कि वो इंसान के फ्लैश में, इंसान की बॉडी में आए, तो इनकार्नेट का मतलब अवतार लेना होता है। री का मतलब पुनः होता है, तो री इनकार्नेशन जो होता है यह पुनरा अवतार होता है। क्लाम का मतलब होता है सेक्रेटली, तो क्लैंडेस्टाइन अगर कोई चीज़ है, क्लैंडेस्टाइन जैसे मीटिंग वगैरह है, तो वो सेक्रेट मीटिंग है, क्लैंडेस्टाइन कहा जाता है इसको। कास्टिगेट, कास्टिगेट का मतलब होता है निंदा करना, बुरी तरह से डांटना, कास्टिगेट। अब इसका ट्रिक कैसा है, जब हम कास्ट का नाम ले करके किसी को गेट तक दौड़ा लेते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, कास्टिगेट कहते हैं। नर्वस का मतलब होता है नर्व, नर्व का मतलब नस होता है, और एनर्वेट क्या है, ई का मतलब एक्स हो गया, एक्स का मतलब आउट हो गया, बुरी तरह से थका देना। जब हमारी नसों से ऊर्जा को, नर्व से हमारी ऊर्जा को आउट कर दिया जाता है, तो उसे हम इनर्वेट कहते हैं, अर्थात वहाँ से एनर्जी को बाहर निकाल दिया जाए, इनर्वेट करना कहते हैं। इसका मतलब बुरी तरह से थका देना। अब मेरे साथ वन बाय वन लिखते चले जाएं, साथ में प्रूरियंट क्या हो गया, प्रूरियंट मैंने कहा था आपको बताया, तो प्रूरियंट का मतलब हो गया कामुक, प्रूरियंट क्या हो गया कामुक। जैसे कोई साहित्य है वो प्रूरियंट लिटरेचर है, तो वह कामुक हो गया, कामुकता को बढ़ावा देने वाला। साइकोफेंट ये दिया गया है, तो साइकोफेंट क्या करता है, जो दिखाता है, ये नाउन हो जाएगा, ये प्रेम और वफा, वफादारी, ये प्रेम और वफादारी केवल दिखाता है, वास्तव में प्रेम नहीं करता है, वफादार नहीं होता है, ये चापलूस है, चापलूस व्यक्ति, साइकोफेंट। डायाफेनस जिसके जरिए स्किन दिखाई पड़ती है, झीना या पारदर्शी हो गया, झीना या पारदर्शी। फेनियन टूसो आपने देखा है इसको। अब आगे आप देखेंगे कि इवानी सेंट क्या है, ये चारों का मतलब होता है क्षणभंगुर, क्षणभंगुर है ये, बहुत जल्दी समाप्त हो जाने वाला। इवानी सेंट इसका मतलब क्षणभंगुर। और आइकन ओक्लास्ट यह क्या हो गया, आइकन ओक्लास्ट का मतलब मूर्ति भंजक, मूर्ति भंजक का मतलब हो गया जो पुरानी रूढ़ियों को, ऐसी रूढ़ियों को जो समाज के लिए नुकसानदायक, उन्हें तोड़ता है, तो उसे हम आइकन ओक्लास्ट कहते हैं। अब आगे देखें डायग्नोसिस क्या होता है, यह रोग निर्धारण, डायग्नोसिस क्या हो गया, रोग निर्धारण, जब डॉक्टर डायग्नोस करता है, इसका मतलब पता लगाता है कौन सी बीमारी है आपको। और प्रोग्नोसिस क्या है, प्रोग्नोसिस का मतलब हो गया, प्रोग्नोसिस आप देख लें, प्रोग्नोसिस का मतलब हो गया कि भविष्यवाणी, यानी रोग आगे क्या होगा, उसे हम जब बोलते हैं तो वह प्रोग्नोसिस होता है, कि रोग का आगे क्या होने वाला है। जैसे अगर बोल दिया गया कि भाई डॉक्टर साहब क्या, व्हाट इज डायग्नोसिस, डायग्नोसिस क्या है, और डॉक्टर ने मान लीजिए बताया आर्थराइटिस, अब प्रोग्नोसिस क्या है, प्रोग्नोसिस ये कि अगर आप अपने वेट को बैलेंस रखेंगे, एक्सरसाइज करेंगे और योगा इत्यादि करेंगे, तो ये कंट्रोल में रहेगा, उसे हम प्रोग्नोसिस कहते हैं। और विकेरियस, विकेरियस का मतलब क्या हो गया, इनडायरेक्ट, यानी बीके भाई ने मुझे बताया था, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं, बीके भाई ने बताया था। कार्नेलियन को आप देखें, कार्नेलियन क्या बोलता है, कार्नेलियन का मतलब हो गया लाजवर्द पत्थर, अर्थात ऐसा पत्थर जिसका कलर, लाजवर्द पत्थर जिसका कलर फ्लैश जैसा हो, अर्थात मांस जैसा हो। कार्नेज, ए लॉट ऑफ ह्यूमन फ्लैश, इसका मतलब बहुत ज़्यादा मानवीय मांस। यह कब होता है, जब सामूहिक संहार होता है। इनकार्नेट, इनकार्नेट वर्ब है, इसका मतलब हो गया अवतार लेना, अवतार लेना, इनकार्नेशन
अवतार हो जाएगा। री इनकारनेशन का मतलब हो गया पुनरावतार, पुनरावतार पुनः अवतार। और क्लैंडेस्टाइन, क्लैंडेस्टाइन का मतलब होता है, क्लैंडेस्टाइन देखिएगा सेक्रेट, इसका मतलब गुप्त हो गया, गुप्त छुपा हुआ। इसे हम सरेप्टिसस भी कहते हैं, सरेप्टिसस, सरेप्टिसस भी कह जाता है गुप्त हो गया। कास्टिगेट, किसी के कास्ट का नाम लेकर के उसे दौड़ा लेना, यानी बुरी तरह डांटना, बुरी तरह डांटना। ट्रिक कैसे याद करेंगे, किसी की कास्ट, किसी के कास्ट का नाम लेकर, का नाम लेकर गेट तक दौड़ा देना, समझाने के लिए बोल रहा हूँ, गेट तक दौड़ा लेना, इसे हम क्या कहते हैं, कास्टिगेट। ट्रिक याद रखिएगा, एनर्वेट क्या हो गया, ई का मतलब एक्स, एक्स का मतलब आउट, जब हमारी नसों बुरी तरह थका देना, जब हमारी नसों से बुरी तरह थका देना, हमारी नसों से ऊर्जा को बाहर निकाल दिया जाता है तो उसे हम एनर्वेट कहते हैं। तो उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा और पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत।